उधम सिंह नगर के पंत नगर स्थित सिडकुल की बिस्किट बनाने वाली कंपनी में 27 अगस्त की रात में भीषण आग लगी थी। आग लगने से कई करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया था, जिसको लेकर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम जांच करेगी, जिसमें जिला अधिकारी के निर्देश पर दो टीम गठित की गई है। टीम मौके पर मौका मुआयना करने पहुंची है। सिडकुल की बिस्किट बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई थी, जिसको लेकर फॉरेंसिक जांच शुरू की गई है, जहां पर डॉक्टर दयाल शरण, एसडीएम प्रत्युष सिंह, सीएफओ वंश बहादुर यादव और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जांच के दौरान सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। आपको बता दें कि अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। डॉक्टर दयाल शरण ने बताया कि जो हमें सैंपल प्राप्त हुए हैं, उसकी जांच करने के बाद ही पता लगेगा कि आग किन कारणों से लगी है। वहीं सीएफओ वंश बहादुर ने बताया कि टीम ने जले हुए राख के टुकड़े और अन्य नमूने कलेक्ट किए हैं, और साथ में उन्होंने यह भी बताया कि इसकी दो एंगल से जांच की जाएगी। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। अभी जो यहाँ पे अग्निकांड जो हुआ है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ में, काफ़ी बड़े स्केल पे नुकसान हुआ है यहाँ पे, और मैं तथा मेरी टीम इंस्पेक्टर संजय जोशी हैं और एसआई पुनीता है और टीम के कई मेंबर्स हैं, गहनता से यहाँ पे जांच की है, कुछ सैंपल्स कलेक्ट भी किए हैं। तत्काल अभी पता नहीं पड़ पा रहा है कि किन कारणों से आग लगेगी।